दोस्तों, तनिषा शर्मा केस में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं जो कि तनिषा के बेहद करीबी शख्स ने किए हैं। तनिषा तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अपने पीछे वो कई सवाल छोड़ गईं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो खुशी खुशी शूटिंग पर गईं तनिषा ने सेट पर ही खुदकुशी कर ली। वहीं तनिषा शर्मा के मामा पवन शर्मा ने मीडिया को दिए बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें उनका कहना है कि शीजान से मिलने के बाद तनिषा की जिंदगी काफी बदल गई थी। तनिषा ने शीजान के लिए खुद को इतना बदल दिया था कि वो हिजाब तक पहनने लगी थी। वहीं तनिषा के कुछ दोस्तों का भी कहना है कि तनिषा ने अपनी बातचीत में इंशाल्लाह, माशाल्लाह और आपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का कहना है कि शीजान के सिर्फ तनिषा के साथ नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों के साथ संबंध थे, और तनिषा की डेथ के तुरंत बाद ही शीजान ने आनन फानन में अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ की गई चैट को डिलीट कर दिया। वहीं एक इंटरव्यू में तनिषा की मां बताती हैं कि 23 दिसंबर को यानी सुसाइड से एक दिन पहले वो सेट पर तनिषा से मिलने गई थी, क्योंकि तनिषा बहुत उदास रहा करती थी और क्रिसमस मनाने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहती थी। सेट पर भी तनिषा ने अपनी मम्मी को कहा कि आप एक बार शीजान से बात कर लो, जिसके बाद वो शीजान से बात करने गई, लेकिन शीजान ने सीधे मुंह बात किए बिना ही बोल दिया कि सॉरी आंटी, मैं कुछ नहीं कर सकता। शीजान मोहम्मद खान फिलहाल में पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जदू तेरे नाल बैठ पी मिठी मिठी चाह, ओहो